बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की ओर से अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को इसकी घोषणा की गई कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इससे पहले संजय जायसवाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन आज पत्र जारी कर इसके बारे में पार्टी की ओर से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि संजय जायसवाल का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में ही समाप्त हो गया था। तो चलिए अब सम्राट चौधरी से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लेते हैं और ये भी बताएंगे कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने 2024 से पहले बड़ा दाव कैसे खेला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1968 में हुआ है सम्राट चौधरी का जन्म। सम्राट चौधरी को विरासत में मिली है राजनीति। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। बिहार में कुशवाहा समुदाय की आबादी करीब 8% है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भी 6 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। सम्राट चौधरी एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। इसके पहले वो आरजेडी और जेडीयू में भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी साल 2014 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। 2018 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। अब ये भी जान लीजिए कि सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी है। भाजपा ने लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंपी है। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद भाजपा ने कुशवाहा वोटों को साधने के लिए बड़ी चाल चल दी है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी की गई है। पार्टी की इस पहल से माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही बीजेपी 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार पिछड़े समाज से आने वाले नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा संदेश देने का काम भी किया है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और वर्तमान में केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बाद पिछड़े समाज से तीसरे नेता को पार्टी ने लगातार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी के अध्यक्ष घोषित होने के बाद दल के विधायकों, विधान पार्षदों, पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। बीजेपी का अब ये दाव कितना सफल होगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।